ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਤੇ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਪਕਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਆਈ ਟੀ ਵੀ ਇੰਦੌਰ। ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੂੰ 2 3118 BS4 ਕੀ ਗਾੜੀਆਂ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਲੇਲੈਂਡ ਕੀ ਇਹ ਗਾੜੀਆਂ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਾੜੀਆਂ ਸੇਮ ਐਸੀ ਬਨਵਾ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 9826061300 ਪਰ। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं दो बहुत खूबसूरत 12 चक्का आपके सामने खड़ी है। नीचे से मैं स्टार्ट करूँ, आप देख सकते हैं 12 चक्के का टाटा का इसका बम्पर लगा है, दो लाइटें लगी है, और आप ऊपर की साइड में देख सकते हैं माता जी की फ़ोटो ऊपर लगी है, रेडियम सील लगा है। पूरी गाड़ी में रेडियम का वर्क और पेंट जॉब आप देख सकते हैं गाड़ी का। ये गाड़ियों के अंदर बहुत खासियत है, बहुत चौड़ी गाड़ियाँ बनी हैं ये। इनका जो भी साइज़ डिमेंशन है मैं उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकता, हमारे भी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो ये जो गाड़ियां हैं आप देख सकते हैं कि लिमिटेड वर्क लिमिटेड एडिशन ये गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां जिनको जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसी हम बनाते हैं। ITV भी आप मेरा मार्का देख सकते हैं साइड में, और 12 चक्के की गाड़ियाँ हैं। दोनों गाड़ियों में अंतर ये है, एक गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग एक्सल है और एक गाड़ी के अंदर लिफ्ट। इन गाड़ियों है दोनों 12 चक्का और 28 फीट ये लंबी हैं। इन दोनों गाड़ियों का अंतर सिर्फ उनकी एक्सल से है, और इनकी जो एक्सल के डिवीज़न है वो बहुत ही गैप के साथ और कंपनी ने बहुत अच्छा करा है। आप देख सकते हैं गाड़ी का जो पीछे का डाला है पूरा लोहे का बना है ये गाड़ी, नीचे पूरा चैनल का इस्तेमाल हुआ है। पीछे की साइड आप देख सकते हैं 2 इंच की बॉर्डर हम इसकी मजबूती के लिए देते हैं कि ताकि कुछ लगे तो अंदर ना जाए गाड़ी के, बाहर की साइड रुकने की हम उस चीज़ को रुकने की पूरी कोशिश करते हैं कि बाहर बाई चांस गाड़ी टकराए तो पीछे ही रुक जाए। और आप देख सकते हैं नीचे की साइड लटकन लगी है, नंबर प्लेट नीचे लटक रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि टूल बहुत बड़ा बनाया गया है जो कि ये गाड़ियों के ऊपर की साइड में पूरी गाड़ियां खोल फिटिंग है, पूरी गाड़ियां खुलती है ये गाड़ियां। ऊपर की साइड में पूरे इसके जो पाइप के जाल वगैरह है वो ड्राइवर आसानी से उस बड़े टूल के अंदर रख सके, इसलिए वो इतना बड़ा टूल बनाया है। आप देख सकते हैं अंदर की साइड ड्राइवर की साइड से ये गाड़ियाँ कैसी दिखती है आप देख सकते हैं। जो हमारा ITV जो हम इंटीरियर बनाते हैं हमारा अलग ही डिज़ाइन रहता है। आप देख सकते हैं कि मेरी जितनी भी गाड़ियों का वीडियो डला है सबका कुछ ना कुछ रिलेटिव कुछ बस कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग करके डिज़ाइन हम बनाते हैं। और आप देख सकते हैं कि ड्राइवर साइड से बहुत खूबसूरत दिख रही है ये गाड़ियाँ। हम इसकी पूरी मजबूती का ध्यान रखते हैं, 2 इंच का इसका पूरा जाल है। आप देख सकते हैं पीछे की साइड में नीचे की साइड और ऊपर की साइड दोनों तरफ हुक दिए गए हैं गाड़ी को अच्छे से लॉक करने के लिए, क्योंकि ये गाड़ी पूरा ओपनेबल है। आप मेरा नाम देख सकते हैं, आप साइड से इस लीलैंड को देख सकते हैं, आपने शायद ही ऐसी कोई लीलैंड देखी होगी। इस लीलैंड के जो डैशबोर्ड है हमने उसको रिमूव करके इसके जो साइड के बम्पर है हमने हमारे खुद के बम्पर फिट करे हैं। आप देख सकते हैं जो टूल बॉक्स है काफ़ी बड़ा है, इस टूल बॉक्स के अंदर आराम से इसके ऊपर की साइड के जो चैनल हैं जो ऊपर की साइड पाइप्स लगे हैं वो रिमूवेबल है, गाड़ी पूरी ये खुल जाती है दोनों साइडों से, और पीछे की साइड एक फ्लैट बेड सरिया गाड़ी के अंदर आपको जगह मिल जाती है गाड़ी लोड करने के लिए। और आप देख सकते हैं इसके कैबिन के जस्ट बैक साइड में 2.5 इंच के एंगल का पूरा फ्रेम घुमा है, टैंकर कैबिन के अंदर जैसा रहता है वैसा हमने इसके कैबिन में मजबूती दी है, क्योंकि ऊपर की साइड में बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी है तो इसलिए हमने इसके पूरी कैबिन को सपोर्ट के लिए ऊपर की साइड पूरा फ्रेम पीछे की साइड दिया है उसके जो कैबिन के बैक साइड का। आप देख सकते हैं फ्रंट साइड में गाड़ी का रोड किंग लिखा है, इंडियन लिखा है इस गाड़ी के अंदर। नंबर प्लेट पे अभी नंबर नहीं है क्योंकि गाड़ी अभी पासिंग नहीं है, महाराष्ट्र में ये जाके फ़ोटो वगैरह होके गाड़ी RTO क्लियरेंस के बाद में इस पर नंबर चढ़ेगा। श्रीदेव एंटरप्राइज की ये गाड़ियां हैं, आप देख सकते हैं कि ये इस गाड़ी के अंदर 5-5 डाले लगे हैं, इस तरीके की ये डाले खुल जाते हैं और ऊपर की साइड के ये जो पाइप दिख रहे हैं ये पूरे रिमूव हो जाते हैं, तो पूरी गाड़ी का आप आराम से लोड कर सकते हैं ओपन करके, पूरी गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अंदर की साइड आप देख सकते हैं 5 mm का मोटा
चेकर का प्लेट डला है। आप देख सकते हैं कि जो इसके डाले हैं, डालों के और जो चेकर प्लेट का जो फर्श है उसके बीच में बिल्कुल कोई गैप नहीं है। बहुत मेज़रमेंट से हम ये गाड़ी बनाते हैं। और आप देख सकते हैं पीछे का जो डाला है, डाला भी हमने लोहे का दिया है और अच्छी सपोर्ट दी है चैनल के साथ में, ताकि इस गाड़ी के अंदर जो भी माल लोड हो वो उससे कोई तकलीफ़ ना आए गाड़ी वाले को। आप देख सकते हैं नीचे की साइड में भी हुक्स दे रखी है बांधने के लिए। बैटरी के लिए हमने पूरा उसका सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया है, चोरी ना हो जाए। आगे दो गेट दिए हैं लोहे के, जिसमें आराम से ड्राइवर अपना लॉक लगा के संतुष्ट होकर गाड़ी के अंदर सो सकता है। देख सकते हैं साइड में भी मेरा मार्कर लगा है, ITBB इंदौर। और चलिए मैं आपको इसके कुछ अंदर के बारे में भी बताता हूँ और इसके अंदर का आपको व्यू करवाता हूँ। तो आपने जैसे कि देखा अंदर की साइड में, हम हमारी हर गाड़ियों में कोशिश यही करते हैं कि एक जैसा इंटीरियर रखें। बाकी हम इसको चेंज भी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं, और जैसे भी गाड़ी वाले का डिमांड रहता है उस हिसाब से इसका कलर चेंज करते रहते हैं। आप देख सकते हैं मंदिर काफ़ी ऊँचा बना है, जिसकी वजह से ड्राइवर को दोनों विंडो के बीच में से आराम से देखने की जगह मिल जाए और वो साइड जो कि कंडक्टर साइड एक ब्लाइंड साइड होता है उसको आराम से देखने की जगह मिल जाए। पीछे की साइड आप देख सकते हैं 8 इंची के बड़े स्पीकर दिए हैं इस गाड़ी के अंदर। कपड़े डालने की जो पाइप दिया है और आराम से पीछे टिका लेके बैठने की जो कुशिंग, जिसकी वजह से ड्राइवर आराम कर पाए और गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा चला पाए। आप देख सकते हैं LEDs का इस्तेमाल लिया है, वेलकम लिखा है इस गाड़ी के अंदर। पूरी गाड़ी का जो कैबिन है और बॉडी की लाइट्स हैं वो LED की लगती हैं। पूरी गाड़ी में LED का वर्क, बहुत वायरिंग का बहुत ध्यान रखा जाता है। और आप देख सकते हैं कि हाथ की जो हम लोग कलाकारी करते हैं, जो हम अंदर की साइड में डिज़ाइन करते हैं, ये ऐसी डिज़ाइन है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए ड्राइवर को इसको साफ़ वगैरह करने के लिए। और हम लोग इस गाड़ी के अंदर ACP एलुमिनियम कंपोजिट पैनल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एलुमिनियम की प्लास्टिक शीट्स होती हैं, और इसके अपन आराम से इसको धो सकते हैं और साफ़ कर सकते हैं पानी से। ये फूलता नहीं है और ना ही फटता है। और आप डैशबोर्ड का लुक देख सकते हैं, डैशबोर्ड काफ़ी हम लोग स्पेस को कवर किया है ताकि ड्राइवर अपना सामान वगैरह अच्छे से रख पाए। मीटर प्लेट आप देख सकते हैं लीलैंड का। आप देख सकते हैं सीट कवर जो है वो इसके इंटीरियर से मैच करा गया है, रेड कलर का इसका सीट कवर है। गियर सब्स आराम से आ रहे हैं, 6 स्पीड गियर हैं इस गाड़ी के अंदर और 1 रिवर्स गियर, टोटल 7 गियर हैं इस गाड़ी के अंदर। और आप देख सकते हैं लीलैंड का लोगो। हाँ जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसके जो कांच है ये भी हम कंपनी के इस्तेमाल करते हैं, और 5 mm की ये कांच रहते हैं और 8 mm का भी कांच का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों कांच जो है ये कंपनी के रहते हैं और गैस कांच ये रहते हैं, ताकि जब कुछ गाड़ी का कांच फूटे तो छोटे छोटे कण में नीचे गिर जाए और ड्राइवर को ना लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ITBB इंदौर, योर ट्रक बॉडी बिल्डर्स इंदौर MP 452001 पिन कोड है, और 9826061300 पे कॉल करके आप भी अपनी गाड़ी बनवाएं। हाँ जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनकी कैबिन की हाइट वगैरह भी दोनों गाड़ी की सेम है,
नीचे की साइड का जो बम्पर है सपोर्ट जो कंपनी ने दिया है, जो स्टीयरिंग एक्सल है उसमें ठीक थोड़ा सा अंदर दिया है, और जो लिफ्ट एक्सल है उसमें 2019 जैसा भार दिया है। और इन दोनों की गाड़ी का जो इंटीरियर है मैं दोनों का बता देता हूँ आपको, ताकि कोई क्वेश्चंस आपके मन में ना रहे। आप देख सकते हैं दोनों का जो इंटीरियर है बिल्कुल सेम है, दोनों एक ही मोटर मालिक एक ही ओनर की ये गाड़ियाँ हैं, श्रीदेव एंटरप्राइजेस की ये गाड़ियाँ हैं। और ये आपको गाड़ियाँ गुजरात में मिल जाएंगी। और इसके पीछे की साइड में आप देख सकते हैं कि दोनों में सेम पोस्टर, सेम जो पीछे का कुशिंग है उसके साथ में सेम डिज़ाइन सेम पैटर्न में ये गाड़ियाँ हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब प्लीज़ एंड शेयर इट। ITBB इंदौर, योर ओन ट्रक बॉडी बिल्डर्स इंदौर। थैंक्स।